नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस आज की टॉपिक है ऑल आइज ऑन कतर ऑल आइज मतलब सब की निगाहें कतर की ओर हैं ठीक है डिस्पाइट कंट्रोवर्सी ओवर द वेन्यू द वर्ल्ड इज़ रेडी फॉर द फुटबॉल इस्पेक्टिकल कॉन्ट्रोवर्सी मतलब होता है लड़ाई करना या फिर डिबेट करना इस्पेक्टिकल मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मैसिव होती है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है ठीक है तो वेन्यू को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी होने के बावजूद वर्ल्ड जो है विश्व जो है वो रेडी है इस फुटबॉल के मेजर इवेंट को फुटबॉल वर्ल्ड कप को विटनेस करने के लिए ठीक है इवन इन दिस एरा ऑफ राउंड द क्लॉक स्पोर्टिंग एक्टिविटी दोस्तों ये एक ऐसा टाइम चल रहा है एक ऐसा एरा चल रहा है एक ऐसा युग चल रहा है जहाँ पर राउंड द क्लॉक मतलब दिन रात कोई ना कोई स्पोर्ट खेले जाते ही रहते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप होल्स स्पेशल एल्योर ऐसे समय पे फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो एक स्पेशल अट्रैक्शन रखता है कि स्पेशल दर्जा है इसके पास एल्योर मतलब होता है अट्रैक्शन ठीक है वेरी फ्यू कॉम्पिटिशन्स किन्डल्स सच वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट बहुत ऐसे कुछ ही कॉम्पटिशन्स होते हैं जो कि इस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व के लोगों को इंटरेस्ट को जगाने की ताकत रखते हैं एंड स्टिर पैशन और पूरे विश्व के लोगों के पैशन को एक्साइट करने की ताकत रखते हैं जैसा कि फ़ुटबॉल मतलब सबसे मेजर स्पोर्ट, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट का ये सो पीस इवेंट रखता है ठीक है फॉर फुटबॉलिंग नर्ट्स अगर हम बात करें दोस्तों फुटबॉल के दीवाने फैंस की नर्ट्स मतलब होता है फुटबॉल की दीवा फैंस को ठीक है इट इज़ दी बिगेस्ट स्टेज टू लुक आउट फॉर द लेटेस्ट टेक्निकल ट्रेंड्स ये उनके लिए सबसे बड़ा स्टेज होता है जहां पर यह फुटबॉल की नई नई टेक्नीस के बारे में सीख सकते हैं वाइल्ड फॉर दी रोमेंटिक्स और वहीं दोस्तों फुटबॉल प्रेमियों की बात करें तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रिकनेक्ट विद यर फेवरेट यंगटर ईयर स्टार्स टीम ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि इस इवेंट के जरिए वह अपने पुराने से सितारों की टीम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं यस्टर ईयर मतलब होता है पुराने स्टार्स की टीमों के साथ पुराने सितारों की टीमों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। जैसे कि डियागे एगे की अर्जेंटीना के साथ पेले की ब्राजील के साथ और जोहानस काइरफ की नीदरलैंड के साथ ठीक है इट विल बी नो डिफरेंट वेन होस्ट कतर एंड इक्वेडोर सेट दी बॉल रोलिंग सेट दी बॉल रोलिंग मतलब होता है स्टार्ट करना ये बिल्कुल भी अलग नहीं होगा जब दोस्तों कतर जो कि होस्ट है फीफा वर्ल्ड कप का और इक्वेडोर जो है वो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को स्टार्ट करेंगे ओपनिंग मैच जो कि उनका संडे को है ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी टू को वॉट हैज चेंजड हाउ एवर इज़ द टाइमिंग विद द वर्ल्ड कप लेकिन दोस्तों क्या चेंज हुआ है एक्चुअली में चेंज क्या हुआ है कि वर्ल्ड कप की टाइमिंग चेंज हो गई है ठीक है मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल समर स्लॉट जहाँ दोस्तों हमेशा से देखा गया था कि वर्ल्ड कप जो है वो समर में ऑर्गेनाइज़ किया जाता था मई जून या जुलाई के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता था तो यहाँ पर उस टाइम को चेंज करके इसको शिफ्ट कर दिया गया है विंटर में ठीक है टू इस्केप देस्ट एशियन कंट्रीज शेयरिंग एट शेयरिंग इट मतलब होता है चिलचिलाती हुई गर्मी मतलब कि जो वेस्ट एशिया की चिलचिलाती हुई गर्मी है उससे बच्चे के लिए वर्ल्ड कप को अपने ट्रेडिशनल समर स्लॉट से शिफ्ट करके विंटर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ठीक है इट विल दस बी हेल्ड राइट इन द मिडिल ऑफ वेरियस क्लब सीजन तो इस वजह से दोस्तों ये एक ऐसे समय पे हो रहा है जहाँ पे बहुत सारे क्लब सीजन भी चल रहे हैं ठीक है कटिंग शॉर्ट द टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड कोचिंग लेसन जिसकी वजह से कटिंग शॉर्ट मतलब होता है कम हो जाना ठीक है जिसकी वजह से दोस्तों जो प्लेयर्स के लिए जो प्रैक्टिस टाइम है और जो कोचिंग लेसन्स की टाइम है वो कम हो गए हैं ठीक है बट अनलाइक एट द टूर्नामेंट दैट कम्स एट द फैग एंड ऑफ द सीजन लेकिन दोस्तों एक ऐसा टूर्नामेंट एक ऐसा वर्ल्ड कप जो कि फैग इंड मतलब कि एक्स्ट्रीम इंड में आया है सीजन के मतलब ईयर ER के एक्स्ट्रीम इंड में ऑर्गेइज होने वाला है प्लेयर फटीक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ डिफाइनिंग फैक्टर यहाँ पे प्लेयर्स की थकावट प्लेयर की फटीक फटीक मतलब होता है थकावट ये एक डिफाइनिंग फैक्टर के तौर पे नहीं देखा जा रहा है ठीक अनदर पॉइंट हैज बिन कतर्स रिकॉर्ड इन अप होल्डिंग यूनिवर्सल ह्यूमन राइट और दोस्तों एक दूसरी चिंता का विषय है कि कतर कैसे सपोर्ट करता है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को कैसे ये ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता है ये भी एक डिबेट का विषय है एंड इट्स वर्दिनेस एज अ होस्ट और क्या कतर एक्चुअली में वर्दी इनफ है क्या कतर एक्चुअली में उपयुक्त है एज अ होस्ट बनने के लिए कत, फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट बनने के लिए क्या ये एक्चुअली में उपयुक्त है बट द डिबेट लेकिन दोस्तों ये जो डिबेट चल रही है कतर को लेके विल लिंगर ये तब तक मौजूद रहेगी अंटिल सच टाइम एज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन रियलाइन देअर मॉरल कम्पास जब तक दोस्तों ये जो बड़े बड़े स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है फीफा की जो गवर्निंग बॉडी है वो अपने मॉरल कंपास को रियलाइज न कर ले मतलब अपनी कार्य करने की प्रणाली जो है अपनी जो टैक्टिक्स होती है उनको रियलाइज न ले दोबारा ऑर्गेनाइज न कर लें एंड ब्रेक दी नेक्सेस और जो उन्होंने बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो ग्रुपिंग बना रखी है बड़े बड़े अमीर और अथॉरिटोरियन गवर्नमेंट्स के साथ जब तक इनको ये चेंज नहीं करेंगे जब तक इनको इनसे ये दूर नहीं जाएंगी तब तक हमको ये डिबेट्स देखने को मिलेंगी ठीक है इसके आगे क्या लिखा है बट वंस द एक्शन बिगिन लेकिन जहाँ दोस्तों एक बार एक्शन शुरू हो जाएगा जहाँ दोस्तों मैचेस शुरू हो जाएंगे द वर्ल्ड कप इज एक्सपेक्टेड टू बी अ जॉयस सेलिब्रेशन इन द स्पोर्ट तब ये डिबेट जो है वो कुछ समय के लिए दब जाएंगे क्योंकि तब एक्शन शुरू हो गया और जो वर्ल्ड कप है वो एक जॉयस सेलिब्रेशन मतलब कि लोगों के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक स्पोर्ट है ठीक है ट्रीयम विरेट ट्रियम विरेट हम कहते हैं तिकड़ी को ठीक है द ट्रियम विरेट ऑफ लाइनल मसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड निमार विल अट्रैक्ट मोस्ट अटेंशन जो दोस्तों लाइनल मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और निमार की तिकड़ी है सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इन्हीं को मिलने वाली है सबसे ज्यादा अटेंशन इन्हीं के लिए होने वाली है फॉर मेसी थर्टी फाइव एंड रोनाल्डो थर्टी सेवन कतर रिप्रेजेंट द लास्ट चांस टू सिक्योर दवेटेड टाइटल अब दोस्तों बात करें अगर हम मेसी की जो कि पैंतीस साल की उम्र के हो गए हैं और रोनाल्डो की जो कि सैंतीस साल के हो गए हैं इनके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी इनके लिए आखिरी मौका होगा कि अपने डिजायर टाइटल को सिक्योर कर सकें कविटेड मतलब होता है डिजायर्ड एंड अ गोल्डन स्व सॉन्ग विल बी हाई इन द माइंड ऑफ द अर्जेंटीन एंड पोर्टुगीज फैन स्व सॉन्ग मतलब होता है जो बिल्कुल लास्ट इवेंट होता है मतलब कि अर्जेंटीनिया के फैंस के लिए और पुर्तगाल के फैंस मतलब पोर्टुगीज फैंस के लिए उन्होंने भी ये सोचा है उनके माइंड में भी यही है कि मेसी और रोनाल्डो हो सकता है कि ये उनकी लास्ट टाइटल और लास्ट मेजर अचीवमेंट हो ठीक है नेमार्स ब्राजील बोस्ट ऑफ एन इंक्रेडिबली टैलेंटेड टीम और वहीं दोस्तों नेमार की जो ब्राज़ील टीम है ये दावा करती है कि इसमें इंक्रेडिबली टैलेंटेड प्लेयर्स और ये इंक्रेडिबली टैलेंटेड टीम है इस समय एंड सीम्स बेस्ट प्लेयर्स टू इन द ट्वेंटी ईयर ट्रॉफ़ी और दोस्तों ये उसके लिए एक बेस्ट समय है जहां पर वो अपने बीस साल की ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर सकती है वेल डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस विल लुक टू ड्रॉ स्क्वाड टू ओवरकम द लॉस ऑफ की पर्सनल इन पॉल पोकबा और वहीं दोस्तों जो मौजूदा चैंपियन है फ्रांस जो दो हज़ार अट्ठारह के फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन है फ्रांस वो चाहेगी कि वो अपने डेप्थ के अपने स्क्वाड के डेप्थ को और ज्यादा मजबूत करें ताकि वो अपने जो की पर्सनल हैं जैसे कि पॉल पोगबा है और एनगोले कानते हैं उनके एबसेंस को ये ओवरकम कर सके ठीक है क्योंकि दोस्तों ये जो पॉल पोगबा है और एनगोले कानती हैं इंजरी की वजह से फ्रांस टीम से बाहर हो चुके हैं तो फ्रांस ये चाहेगी कि वो इनके एबसेंस में अपनी स्क्वाड की डेप्थ को और ज़्यादा मजबूत कर सके फॉर्मर चैंपियन स्पेन और दोस्तों जो पूर्व चैंपियन स्पेन है ट्वेंटी फाइनलिस्ट क्रोएशिया और दोस्तों दो हज़ार अट्ठारह की जो फाइनलिस्ट क्रोएशिया है एंड प्लकी उर्गवाए प्लकी मतलब होता है हिम्मती पावरफुल उर्गुआए है ऑल हैव कैपेबल रोशन मतलब सभी के पास एक परफेक्ट कैपेबल रोस्टर्स हैं रोस्टर मतलब होता है टीम प्लेयर्स हैं हिस्टोरिक अंडर परफॉर्मर इंग्लैंड और दोस्तों हमेशा से एक अंडर प्लेयर रही अंडर परफॉर्मर रही इंग्लैंड मतलब हमेशा से खराब परफॉर्मेंस देने वाली इंग्लैंड द रन टू द यूरो 2020 फाइनल नॉर्थ एवं लेकिन हालांकि दोस्तों वो ट्वेंटी ट्वेंटी यूरो फाइनल में पहुँच चुकी थी ट्वेंटी में जब दोस्तों यूरो फाइनल हुआ था जहाँ पे इंग्लैंड का आ, हार मिल गई थी दोस्तों इंग्लैंड को एक्चुअली में हार मिल गई थी क्योंकि उस समय पर जीत हो गई थी इटली की ठीक है एंड दी मोर रिसेंट अंडर जर्मनी और दोस्तों जो अंडर अचीवर अंडर अच्चीवर मतलब जब दोस्तों कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है उसके बावजूद उसको वो परिणाम नहीं मिलता है तो उसको हम कहते हैं अंडर मतलब जर्मनी की टीम दिखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है लेकिन कभी भी ये दोस्तों कुछ अच्छी अचीवमेंट लाने में सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है विल लुक टू टर्न ओवर मतलब की नए चैप्टर की शुरुआत करने की कोशिश करेगी टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब नई बिगनिंग करने की कोशिश करेगी सैनेगल विल एंकर दी अफ्रीकन नेशंस वहीं दोस्तों बात करें अगर अफ्रीकन नेशंस की तो उसको एंकर उसको चलाने का काम कौन करेगा सेनेगल करेगा ठीक है बट विदाउट टेलिसमान सैडियो मैंड इट विल भी अपिल टास्ट लेकिन दोस्तों उसमें भी एक की प्लेयर की गैर मौजूदगी के कारण मतलब जिनका नाम है टेलिसमान सैडियोमान है उसकी वजह से दोस्तों सेनेगल के लिए भी अफ्रीकन नेशंस को आगे लाना एक मुश्किल टास्क होने वाला है अपिल टास्क मतलब मुश्किल टास्क होने वाला है एशियन कंट्रीज साउथ कोरिया एंड जापान विल बी आउट टू प्रूव वंस अगेन दैट देआर नॉट पुश ओवर्स और वहीं दोस्तों एशियन कंट्रीज़ जो होंगी जैसे कि जापान होगी या साउथ कोरिया होगी ये भी कोशिश करेंगी ये प्रूव करने के लिए कि वो पुश ओवर्स नहीं मतलब कि उनको आसानी से कोई हरा नहीं सकता है ठीक है पुश ओवर्स हम कहते हैं वो लोग जिनको आसानी से हराया जा सकता है ठीक है द रिटर्न ऑफ द नीदरलैंड द वर्ल्ड कप फोल्ड इज वेलकम वहीं दोस्तों बात करें तो वर्ल्ड कप में नीदरलैंड की वापसी जो है एक बहुत ही वेलकमिंग इवेंट है वेल द एबसेंस ऑफ इटली द रेनिंग यूरोपियन चैंपियन वहीं दोस्तों इटली का एबसेंस जो कि दोस्तों मौजूदा यूरोपियन चैम्पियन है क्योंकि दोस्तों इटली और इंग्लैंड के बीच में हुआ था यूरो चैम्पियनशिप लेकिन दोस्तों इटली ने हरा दिया था इंग्लैंड को इस वजह से इटली जो थी वो रेनिंग यूरोपियन चैंपियन लेकिन दोस्तों लगातार दो बार इसका वर्ल्ड कप में मौजूद ना होना नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एपो कैलिप्स ठीक है ये एक विनाशकारी इवेंट से कम नहीं तो आई होप दोस्तों आपको आज के एटोरियल की एनालिसिस समझ आए होगी कैसी लगी आपको एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा थैंक यू